नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके ऊपर पूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। बहुत ही गहनता के साथ यह वीडियो बनाया गया है और आप इसे देखकर लाभ उठाएं। इसमें हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और बृहस्पति के इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वृश्चिक राशि है, यह आपको अपने लग्न की राशि तथा चंद्र की राशि दोनों के ही आधार पर समझना है। लग्न की राशि का अर्थ है जब आपके जन्म के समय कुंडली के प्रथम भाव में अर्थात एसेंडेंट में क्षितिज में जो भी राशि उदित हो रही थी वह आपके लग्न की राशि हुई। और इस लग्न से हम आपके पूरे चीज़ों को देखते हैं, पूरे लाइफ को देखते हैं, आपके शरीर को देखते हैं, आपके फिजिकैलिटी को देखते हैं। वास्तव में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, ये सभी चीज़ें हम लग्न की राशि देखते हैं, ना ही चंद्र की राशि से। तो चंद्र की राशि से हम क्या देखते हैं? चंद्रमा का अर्थ है आपका मन। चंद्रमा मनशो जाता है, अर्थात कि चंद्रमा के समान आपकी मन की स्थिति होती है। इसीलिए चंद्रमा जिस भी राशि में है उस राशि के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी। बृहस्पति का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपके मन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, वो हम चंद्र की राशि से समझेंगे। और लग्न की राशि से वास्तव में क्या क्या इवेंट्स क्रिएट होंगे आपके जीवन में, वो लग्न की राशि से समझेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और आपको पहले डिसाइड करना है कि आप लग्न से देख रहे हैं या चंद्र से देख रहे हैं, उस आधार पर तब आप वीडियो को प्रोसीड करें। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको पूरे YouTube में ही शायद प्राप्त हो और सभी वैदिक ज्योतिष शास्त्र को संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को समझेंगे कि बृहस्पति का कुंभ राशि में क्या फल है और आपके वृश्चिक राशि के अनुसार किन किन भावों के स्वामी हैं और इसका एग्जैक्टली क्या फल बनता है। इसलिए वीडियो को कृपया पूरा देखें, क्योंकि कई सारे बहुमूल्य पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंभ राशि क्या है और बृहस्पति क्या है। बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति सबसे शुभ प्लैनेट माने गए हैं और देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु हैं। शिक्षा, विद्या, संतान, आपकी वित्तीय स्थिति अर्थात आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका मैरिज, इन सभी चीज़ों को बृहस्पति ग्रह गवर्न करते हैं और इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह हैं। तो बृहस्पति एक गुरु तत्व के ग्रह हैं और इसीलिए बृहस्पति मकर राशि में नीच के माने गए हैं, क्योंकि मकर राशि मूल रूप से कुंडली का दशम भाव है, कर्म स्थान है। और बृहस्पति एज ए गुरु उन्हें पसंद नहीं है कि वो कर्म करें समाज में और किसी भी संस्थान में जाकर वो कर्म करें, क्योंकि बृहस्पति आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, कोई तीर्थ स्थान में रहते हैं और अपने अपने शिष्यों को शिक्षा अर्जन करवाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो जब बृहस्पति को कर्म करना पड़ता है समाज में निकलकर, तो बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। लेकिन जब बृहस्पति अपने नीच की राशि से निकलते रहेंगे तो बहुत ही प्रफुल्लित रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अपने नीच की राशि से निकलता हुआ रहता है तो वह अच्छे फल को देने वाला होता है, क्योंकि इतने दिनों से वह अपने नीच के घर में था। वहीं दूसरी ओर यह जो कुंभ राशि है, कुंडली का मूल रूप से एकादश भाव माना गया है, अर्थात कुंभ राशि से हम समाज को समझते हैं, समाज का विचार करते हैं, आपका संबंध आपके समाज से, आपके बड़े भाई बहन, आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, इन सभी चीज़ों को 11th हाउस या फिर कुंभ राशि से देखते हैं। कुंभ राशि से ही हम आपके कर्म स्थान में होने वाली उपलब्धियों को देखते हैं तथा आपके मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों को कुंभ राशि से देखा जाता है। तो यह शनि का राशि है कुंभ राशि। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए यदि बृहस्पति का कोई दशा चल रहा था और वह
शुभ फल नहीं दे रहा था, तो अब जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलने वाला है। अब आपके जीवन में मोशन स्टार्ट होने वाला है यदि बृहस्पति की दशा चल रही थी तो, क्योंकि बृहस्पति अपने नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव बृहस्पति का अपना स्थान एक प्रकार से माना गया है, क्योंकि बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर उच्च की भांति भी फल आपको प्रदान करेंगे, और यह स्थान चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, जीवन के सुख का स्थान है। तो जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, सुख की बढ़ोतरी होगी। जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति बृहस्पति करवाएंगे। यदि आप कोई आपके जीवन में कोई लैंड से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, या फिर आपको अपना लैंड लेना था, प्रॉपर्टी लेना था, अपना घर लेना था, तो बृहस्पति इस अवधि में आपको इन सभी चीज़ों को प्राप्त करवाने वाले हैं। आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और माता जी से संबंध भी आपका अच्छा स्थापित होने वाला है। तो दोस्तों, चतुर्थ भाव का यह फल हुआ। अब हम समझते हैं बृहस्पति किन किन भावों के स्वामी हैं। तो आपके कुंडली में वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति द्वितीय भाव तथा पंचम भाव के स्वामी हैं। तो कुंडली के द्वितीय भाव से बृहस्पति तृतीय स्थान में स्थित हैं। द्वितीय भाव से जब काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो बृहस्पति द्वितीय भाव से रिलेटेड पराक्रम को गेन करवाने वाले हैं। द्वितीय भाव से रिलेटेड स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, द्वितीय भाव से रिलेटेड आपका ट्रैवल होगा, कुछ लर्निंग होगा। और कुंडली का द्वितीय भाव क्या है? धन का स्थान है, जमा धन का स्थान है। आपके एसेट्स, आपके वैल्यू सिस्टम तथा आपके पैतृक संपत्ति का स्थान माना गया है, और साथ ही यह फैमिली का स्थान माना गया है, आपके परिवार के सदस्यों का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो आपका जो अपना आपके कुटुंब हैं, उनसे आपका वार्तालाप अच्छा होगा, कम्युनिकेशन होगा, एक प्रकार का इंटरेक्शन होगा, और उससे आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार धन को अर्जन करने के लिए, अपने एसेट्स को प्राप्त करने के लिए, अपने संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, छोटी यात्राओं को करेंगे, और उस छोटी यात्रा से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। आप कोई अगर स्पीकर हैं, अगर आपका बोलने का काम है, तो आप बोलने की नई नई कलाओं को सीखेंगे, और वह भी कोई छोटे डिस्टेंस ट्रैवल के साथ होगा। आपकी माता जी आपके लिए गुरु की भांति काम करेंगी, आपके अपने सदस्य जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको सही दिशा, सही निर्णय देने वाले होंगे, और आपको सही राय विमर्श देंगे, जिससे आप अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर पाएँ, उन्नति कर पाएँ। यह अवधि इस प्रकार का है कि आप अपने संस्कारों को प्रचंड रूप से पालन करेंगे। जो भी आपके घर परिवार से, कुल से आपको संस्कार प्राप्त हैं, उससे आपका चरित्र बहुत ही निर्मल होने वाला है। उसी प्रकार बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात पंचम से जब हम काउंट करेंगे तो ये बृहस्पति 12th हाउस में है। तो पंचम से रिलेटेड आपको लॉसेस देने वाले हैं बृहस्पति, यह थोड़ा सा विचारणीय स्थिति है। अब पंचम भाव क्या है, पहले ये समझते हैं। पंचम भाव शिक्षा दीक्षा का स्थान है, आपके लव लाइफ का स्थान है, लव पार्टनर का स्थान माना गया है। साथ ही पंचम भाव से ही हम पूजा पाठ, मंत्र शक्ति तथा आपके जीवन में जो भी आपका पैशन है उसे समझते हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं और आपको करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उस प्रकार की चीज़ें पंचम भाव है। पंचम भाव ही प्रेजेंटेशन स्किल्स है, आपका स्टेज परफॉर्मेंस है, या फिर आप कहीं पर भी निकलकर जन समूह को संबोधित करते हैं, उसका स्थान पंचम भाव है, और यह आपके संतान का भी स्थान माना गया है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको लॉसेस दे सकते हैं बृहस्पति। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है अपने स्टडी में, क्योंकि ध्यान आपका भटक सकता है। उसी प्रकार यदि आपका लव लाइफ चल रहा है तो उससे रिलेटेड आपको लॉस, परेशानी होना, या फिर वित्तीय लॉस होना, धन संपत्ति का लॉस होना अपने पंचम भाव से रिलेटेड हो सकता है। संतान से रिलेटेड कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, उसके कारण आपको जीवन में लॉसेस होंगे। कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका मन परेशान हो सकता है पंचम भाव को लेकर, आपके धन खर्च हो सकते हैं पंचम भाव को लेकर, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी तक जाना कि बृहस्पति कुंभ राशि में किस प्रकार का फल देते हैं,
और उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो बृहस्पति आपको किस प्रकार का फल देने वाले हैं अपने गोचर में। आइए हम कुछ अन्य पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पति ग्रह जिस भी भाव में स्थित होते हैं वहाँ पर से पंचम, सप्तम और नवम भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं। और बृहस्पति चूंकि एक शुभ प्लैनेट है, बृहस्पति की दृष्टि एक बहुत ही शुभ दृष्टि मानी गई है। किसी भी भाव में जब बृहस्पति अपना दृष्टि डालते हैं तो उस भाव से रिलेटेड जो भी दूषितता है, जो भी अशुभता है, उसे समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे वृश्चिक राशि से, वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में पंचम दृष्टि डालते हैं, आपके दशम भाव में सप्तम दृष्टि डालते हैं और आपके द्वादश भाव में नवम दृष्टि डाल रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि को हम समझते हैं और आपको कैसा फल होगा बृहस्पति की इस दृष्टि के कारण, यह भी जानते हैं। तो बृहस्पति का दृष्टि पंचम आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो अष्टम भाव से रिलेटेड आप चीज़ों को गेन करेंगे, अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को आप स्टडी करेंगे, आपका अध्ययन होगा अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों में। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव डीप सीक्रेट है, अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, सेक्सुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी है। यह आपके संबंध के सुख का स्थान है, आपके इन लॉज का स्थान है और जीवन में जो भी बड़े बड़े हिंड्रेंस होते हैं, बड़े बड़े कोई परेशानी उत्पन्न होती है या फिर आयु मृत्यु, उन सभी चीज़ों को अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से ही हम कोई बड़ा रोग ऋण और शत्रु, कोई गुप्त रोग ऋण और शत्रु, इन सभी चीज़ों को अष्टम भाव से रिलेटेड हम देखते हैं। और अष्टम भाव ही आपके पूर्व जन्म के रिलेटेड जो अशुभ कर्म हैं, जो आपने छिप कर किए हैं, उस प्रकार के अशुभ कर्म अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अब इसे समझना थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कलिष्ठ है, क्योंकि अष्टम भाव खुद में ही एक अशुभ स्थान माना गया है। तो यदि आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, योगा मेडिटेशन या फिर ध्यान, अपने गुरु का पालन करना, इन चीज़ों का पालन करते हैं, तब तो आप अष्टम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखने वाले हैं इस अवधि में, और आपको नए नए चीज़ें प्राप्त होंगी जो आपको अलग ही आयाम में पहुंचाने वाला होगा, आपके समझ को, आपके विजडम को, अर्थात कि आपका इनलाइटनमेंट कर सकते हैं बृहस्पति, या फिर आप इनलाइटनमेंट, कुंडलिनी शक्ति और मेडिटेशन, किसी प्रकार के अकल्ट, ज्योतिष शास्त्र, कोई भी ब्रह्म विद्या से रिलेटेड आप ज्ञान को अर्जन करेंगे और उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। बृहस्पति का यह दृष्टि आपको वैवाहिक जीवन से रिलेटेड सुखों को प्रदान करने वाला है। वैवाहिक जीवन का सुख, आपका यौन सुख, इस प्रकार के सुख को बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। और दूसरे लोगों के संपत्ति से, छोटे छोटे जन समूह के छोटे छोटे संपत्ति से आप उसे बड़ा बनाकर अपने जीवन में उससे लाभ उठा पाएंगे और लोगों को भी लाभ देंगे जो छोटे छोटे लोग हैं। तो इस प्रकार का योग बन रहा है बृहस्पति का पंचम दृष्टि पढ़ने से। और आप नए नए स्किल्स को सीखेंगे जो कि डीप हो, जो कि सीक्रेट हो, जो कि रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी हो। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव में पड़ता है, तो कुंडली का दशम भाव कर्मस्थान माना गया है। वैसे तो बृहस्पति कर्मस्थान में शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्मस्थान को स्थिर करने वाली है। यदि आपके कर्मस्थान में अस्थिरता थी, आप लंबे समय से परेशान थे कर्मस्थान से रिलेटेड, या फिर आपको जॉब अपना चेंज करना था, उसमें आपके संबंध अपने बॉस से अच्छे नहीं बन रहे थे, तो यह अवधि, बृहस्पति का यह गोचर इन सभी चीज़ों को ठीक करने वाला है। आपके संबंध अपने उच्च अधिकारी से, अपने पिता से, गवर्नमेंट से अच्छे होने वाले हैं और उनसे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, उनसे प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे अपने कर्मस्थान में, और उस रिकॉग्निशन से वह आपको आगे चलकर आपके प्रमोशन के लिए आपको भागीदारी बनाएगा। आपको कोई बड़े बड़े रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकते हैं अपने कर्मस्थान में, और उसे आप पालन करके जीवन में खुश होंगे और सुख की अनुभूति करेंगे। उसी प्रकार बृहस्पति का नवम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव में पड़ता है, तो कुंडली का द्वादश भाव विदेश का स्थान है, साथ ही लॉसेस का भी स्थान है। तो बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ जा रही है द्वादश भाव में, तो ये डायरेक्टली आपके लॉसेस को रोकते हैं,
आपके लॉसेस रुकेंगे, सभी प्रकार के लॉस आपके रुकेंगे, धन मन तन किसी प्रकार का लॉस, और विदेश स्थान से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बृहस्पति आपके मातृभूमि स्थान में स्थित हैं और यहाँ पर से विदेश स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बृहस्पति के इस दृष्टि के कारण आपको अपने विदेश स्थान से और मातृभूमि के संबंध से कोई बड़ा सुख की प्राप्ति होगी, कोई बड़ा लैंड, कोई बड़ा संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। विदेशी चीज़ों से, विदेशी एलिमेंट से आपको लाभ होगा। साथ ही जो आपका अपना विदेश स्थान में कोई संपत्ति था या फिर कोई लैंड था, कोई घर था, तो उससे रिलेटेड यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई पॉजिटिव वे में कुछ कार्यवाही हो रही थी, तो उन सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह था बृहस्पति का दृष्टि और उससे रिलेटेड क्या फल आपके जीवन में बन रहा है। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसे कि बृहस्पति किसी भी भाव से जब चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्रदान करते हैं। जिस भी भाव से चतुर्थ में गोचर करते हैं उस भाव का सुख प्राप्त होता है जातक को, और जिस भाव से नवम में गोचर करते हैं उस भाव का भाग्योदय होना होता है। तो यहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि के हिसाब से समझते हैं, आपके लिए बृहस्पति आपके लग्न स्थान से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लग्न का सुख आपको प्राप्त होगा। लग्न क्या है? आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका मान सम्मान, आपका सुख दुख, आपका अपना स्टेटस, आपका मन, आपका शरीर, इन सभी चीज़ों को लग्न स्थान से देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपको यदि जीवन में कोई दुख भी था तो दुख की अनुभूति नहीं होगी। इस अवधि में आपके हेल्थ अच्छे होंगे, आपका स्टेटस अच्छा होगा, और आपके शरीर में यदि कोई दुर्बलता थी, कोई रोग ऋण और शत्रु था, तो उन सभी चीज़ों का नाश बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आकर करने वाले हैं। अर्थात कि आपके शरीर को पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी इस अवधि में। शरीर को जिस भी प्रकार का सुख चाहिए वह सुख बृहस्पति आपको चतुर्थ भाव में आकर देने वाले हैं। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह आपके अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुंडली का अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों का भाग्योदय करेंगे बृहस्पति, क्योंकि अष्टम से नवम में गोचर जा रहे हैं। तो अष्टम क्या है कि अष्टम आपका वैवाहिक सुख का स्थान है। विशेष रूप से यदि हम शुभ रूप से देखें अष्टम भाव को, तो ये वैवाहिक सुख, यौन सुख का स्थान है और एक स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, डीप सीक्रेट का स्थान है। तो यदि आप कोई रिसर्चर थे, आप रिसर्च फील्ड से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, आपके वैवाहिक सुख को लेकर कोई समस्या चल रही थी, कोई यौन सुख को लेकर, या फिर कोई बड़े गुप्त रोग को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो उन चीज़ों में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और यदि ये सब चीज़ नहीं है तो अष्टम भाव जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड भाग्योदय आपका होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और इसीलिए मैंने बोला कि अष्टम भाव क्या है कि जन समूह का स्थान है। छोटे छोटे लोग, कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा हों, उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये अष्टम भाव जो है ये बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए भी है, तो उन चीज़ों में भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ये आप हो सकता है इस समय अपनी पीएचडी डिग्री के लिए आप आगे जाएं, और मोस्ट प्रोबेबली आप पीएचडी कर रहे होंगे और आपको उसमें कोई अच्छे खबर की प्राप्ति चाहिए, अच्छे फल चाहिए। आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हो रहा है काफ़ी लंबे समय तक, या फिर आपको अभी तुरंत करना है, कोई हाइपोथेसिस आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों में आपको बृहस्पति अच्छे फल प्रदान करेंगे, और इस भाव से आपका भाग्योदय होगा। रिसर्च से, अपनी पत्नी के सुख से, या फिर किसी संबंध के सुख से, या फिर अपने इन लॉज के फैमिली से आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही यह भी बतला दूं कि आपके इन लॉज के जो फैमिली मेंबर हैं उनका भी भाग्योदय इस अवधि में हो सकता है बृहस्पति के इस दृष्टि के कारण। तो दोस्तों, अभी तक हमने बृहस्पति के मोस्टली शुभ तत्व के ऊपर बात किया कि बृहस्पति वृश्चिक राशि को किस प्रकार से शुभ रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं कुछ अशुभ तत्व, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कुछ शुभ चीज़ है तो कुछ अशुभ भी है।
बिना शुभ के अशुभ को कल्पना नहीं किया जा सकता और बिना अशुभ के शुभता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बृहस्पति ग्रह जिस भी भाव से दशम भाव में गोचर करते हैं, टेंथ हाउस में गोचर करते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड आपको विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, उस भाव से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन संघर्ष उत्पन्न होता है। आपके वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए सप्तम भाव से बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुंडली का सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी कर्म करना होता है उस चीज़ के लिए आपको फ्रस्ट्रेशन की अनुभूति होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा और आप एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो सप्तम भाव क्या है कि विवाह का स्थान है और पत्नी का तो स्थान है ही, साथ ही यह आपके बिजनेस व्यापार का स्थान है, आपके गठबंधन का स्थान है और आपके संबंध का स्थान है, और यह भाव मृत्यु का भी स्थान माना गया है, मारक भाव भी माना गया है। तो इस अवधि में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा आराम प्रस्त आपको नहीं होना है, क्योंकि चतुर्थ भाव को तो अच्छा बना रहे हैं बृहस्पति, चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, लेकिन जब चतुर्थ से चतुर्थ काउंट करते हैं तो वो सप्तम भाव होता है और उसे अशुभ बना रहे हैं, दूसरी ओर अष्टम भाव को शुभ बनाते हैं। तो अष्टम भाव और सप्तम भाव आपस में कनेक्टेड है वैसे, क्योंकि सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वह अष्टम भाव से अष्टम भाव से हम देखते हैं। सप्तम भाव आपका संबंध है, आपकी पत्नी है, तो उस संबंध से, उस पत्नी से आपको क्या सुख मिलता है वह अष्टम भाव है। तो वो सुख तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप कोई रिलेशनशिप में बंधने जा रहे हैं या फिर आप अभी जस्ट बंधे कोई रिलेशनशिप में, आपका विवाह होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस समय मोस्ट प्रोबेबली बृहस्पति आपका विवाह नहीं होने देंगे और आप यदि कोई रिलेशनशिप में हैं तो उसमें ही रहें, क्योंकि आपका अभी किसी से भी कोई अच्छा संबंध नहीं स्थापित होगा, ये संबंध स्थापित करने के लिए एक अच्छा समय नहीं माना जाएगा। कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप, कोई गठबंधन हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई पार्टनरशिप में आप काम करने जा रहे हो, तो उन चीज़ों में आपको अभी प्रोसीड नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप से आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी जीवन में, बल्कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपके बिजनेस व्यापारिक कार्यवाही के लिए, कोई बिजनेस व्यापारिक गतिविधि के लिए नए रूप से करने के लिए ये समय सही नहीं है। कोई नया बिजनेस हो या फिर कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई नया गठबंधन हो, इन चीज़ों को आप अभी नहीं करेंगे तो आपको सही प्रकार से फल दे पाएंगे बृहस्पति, क्योंकि सप्तम भाव से रिलेटेड आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। तो दोस्तों, यह था मेरा एक बेसिक विश्लेषण बृहस्पति ग्रह के गोचर के आधार पर, कि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ है और बृहस्पति किन किन भावों को शुभ और अशुभ बना रहे हैं, इस आधार पर क्या फल बन रहा है वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए। लेकिन अभी मैं बहुत ही यूनिक पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, जो आप अवश्य देखें और शायद ही आपने कभी कोई भी राशिफल या फिर कोई भी गोचर फल में इस पॉइंट को सुना होगा। इसे हम पुष्कर नवांश कहते हैं। पुष्कर नवांश एग्जैक्टली क्या है इसे हम नहीं समझेंगे, बस पुष्कर नवांश आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि आपको कैसे प्रभावित करेगा यह पुष्कर नवांश और कब उदित होगा और क्या आपको करना चाहिए इस समय में। सबसे पहले मैं बतला दूं, पुष्कर नवांश एक बहुत ही शुभ नवांश माना गया है। किसी भी राशि में दो नवांश ऐसे होते हैं जो कि पुष्कर नवांश होते हैं, उस आधार पर 12 राशियों में कुल मिलाकर 24 नवांश पुष्कर नवांश होंगे। नवांश का अर्थ क्या है, नवांश के ऊपर मैंने वैसे बहुत ही विस्तार में वीडियो बनाया है, उसे आप अवश्य देखें, नवांश क्या है, नवांश कैसे फलित होता है और नवांश अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भाव में किस प्रकार से देखते हैं और उससे कैसे हम और सटीकता तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो पुष्कर नवांश का अर्थ है नौवा अंश, नाइन्थ पार्ट। किसी भी राशि का जो नाइन्थ पार्ट होता है वो नवांश होता है। अब एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, जब 30 डिग्री को हम 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 3.2 डिग्री का होता है, तो 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक एक नवांश हो गया। उसी प्रकार 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश हो गया, 6.4 से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश, 10 डिग्री से 13.2 डिग्री तक चौथा नवांश। इस प्रकार से 9 नवांश एक राशि में होते हैं।
ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बतलाया, 9 पार्ट होता है एक राशि का। तो कोई भी राशि में दो ऐसे नवांश होते हैं, उसी 9 नवांश में से दो ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश माने जाते हैं। और यदि पुष्कर नवांश में कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में है और वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो नीच का हो, कितने भी अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, कोई अशुभ भाव में बैठा हो, फिर भी वह विवश है आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल प्रदान करने के लिए। वो अल्टीमेटली आपको राजा बनाकर ही रहेगा। उसी प्रकार यदि कोई बड़े ग्रह अपने पुष्कर नवांश में गोचर कर जाते हैं तो फिर आपको उसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, व्यापार कोई नया करना चाहिए, कोई नया गठबंधन करना चाहिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए, विवाह अभी करना चाहिए या नहीं, ऐसा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि बृहस्पति पुष्कर नवांश में गोचर कर रहे हो और साथ ही बृहस्पति की किसी भी प्रकार से दशा चलना आवश्यक है। आपके जीवन में यदि बृहस्पति की किसी प्रकार से विमशोत्री दशा चल रही हो, विमशोत्री महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या फिर धान्यायोगिनी की दशा, या फिर धनुचर या फिर मीनचर की दशा चल रही हो, तो आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभावी है और फिर आपको यह पुष्कर नवांश फल अपना देगा। तो बृहस्पति आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में छठा और आठवां नवांश पुष्कर नवांश माना गया है। और बृहस्पति जब भी अपने छठे और आठवें नवांश में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। हम यह कैसे जाने कि बृहस्पति छठे और आठवें में गोचर कर चुके हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट विधि बतलाता हूँ। बृहस्पति जब 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहेंगे कुंभ राशि में, तो वह छठे नवांश में रहेंगे। उसी प्रकार बृहस्पति जब 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक रहेंगे, तो बृहस्पति अपने आठवें नवांश में रहेंगे कुंभ राशि के। हर एक राशि का अपना अलग अलग पुष्कर नवांश का डिग्री होता है, तो उसे फाइंड करना होता है। तो कुंभ राशि के लिए छठा और आठवां नवांश पुष्कर नवांश है, तो इसके लिए आपको यह देख लेना है कि बृहस्पति कब छठे और आठवें नवांश में जा रहे हैं। मैंने डिग्री आपको बतलाया, यहाँ पर लिखा भी है, तो यह डिग्री वाइज आपको डेट निकाल कर नोट करके रख लेना है और उस अवधि में कोई भी सिग्निफिकेंट आप काम कर सकते हैं, कोई भी बड़े एग्जीक्यूशन वो कर सकते हैं। कोई लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे रिलेटेड टू बिजनेस ही क्यों ना हो, जबकि मैंने आपको बतलाया कि बिजनेस रिलेटेड आपको नुकसान होगा और सप्तम भाव खराब हो रहा है, लेकिन सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों को भी आप पुष्कर नवांश में जब बृहस्पति रहे तो आप कर सकते हैं और आपको अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी फॉर श्योर। तो यह पुष्कर नवांश का एक मैजिक है। तो दोस्तों, यह कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसको कवर करते हुए मैंने आपको बृहस्पति ग्रह का यह गोचर समझाया। कुछ चीज़ों को और आपको क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि यह सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के गोचर के आधार पर है। बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इस आधार पर आपको क्या फल मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या राशि फल या फिर गोचर फल आपको सटीकता दे सकता है, क्या हमें यह देखना आवश्यक नहीं होगा कि आपके जीवन में किन किन ग्रहों की दशा चल रही है, क्या साढ़े सती चल रहा है या नहीं, या फिर कोई अशुभ योगनी की तो दशा नहीं चल रही है, उल्का योगनी हो, संकटा योगनी हो, या फिर कोई वैसे विशेष चर की दशा चल रही हो जो कि बृहस्पति के फल को नाश कर रहा हो, तो इन सभी चीज़ों को देखना आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ हम गोचर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश या फिर बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो सकते, वो हमारी मूर्खता और ज्योतिष शास्त्र को न समझने वाला ही बात हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए आपको कुछ चीज़ों को देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बृहस्पति का क्या अंक है अष्टक वर्ग सारणी में आपके कुंभ राशि में। मान लीजिए बृहस्पति की कोई दशा आपके जीवन में चल रही है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरे जीवन में, मेरे कुंडली में तो बृहस्पति उठ चुके हैं और अभी कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो मेरे इन इन भावों को बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन आपने अष्टक वर्ग सारणी में बृहस्पति का अंक देखा ही नहीं। अष्टक वर्ग सारणी में जब आप देखेंगे तो आपने पाया कि बृहस्पति का 1, 2, 3 इस प्रकार से अंक है, तो फिर आपको कुछ भी हो जाए बृहस्पति आपको अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। उसी प्रकार कुंडली में किसी भी प्रकार की स्थिति बृहस्पति की हो,
यदि अष्टक वर्ग सारणी में कुंभ राशि के अंतर्गत बृहस्पति का अंक 4 से अधिक है, 5, 6, 7, 8 है, तो फिर आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको विश्लेषण करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पर जो अभी बात बतलाए गए उस बात पे आप न चलें, यह बस एक रेफरेंस है आपको समझने के लिए कि यह गोचर मूल रूप से आपको कैसे इफेक्ट करने वाला है। लेकिन गोचर फल हो, राशि फल हो, ये सब व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं होता, व्यक्तिगत के लिए नहीं होता, ये पूरे समाज के लिए होता है। ये पूरे समाज को, पूरे विश्व को कैसे फलित करने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व के लिए बृहस्पति का एक अपना एनर्जी है, और उस एनर्जी वाइज क्या चेंजेस आएंगे समाज में उसे हम देखते हैं। लेकिन हम इतने कामचोर कह सकते हैं, या फिर हम इतने स्पून फीडिंग वाले हो चुके हैं कि हमें बना बनाया प्रेडिक्शन चाहिए कि हाँ भाई क्या होगा, और हम अपने मन को उसी प्रकार से मूर्ख बनाते हैं कि हाँ मेरे साथ ये होगा, और यदि कुछ अच्छा होने वाला है तो हम उसे बार बार सोचते हैं ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम लेकर अपने जीवन को चल रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के थ्रू। लेकिन आपको मैं बतला दूँ, आप अभी भी भ्रमित हैं, इसीलिए कृपया राशि फल के आधार पर पूर्ण रूप से ना जाते हुए जो ज्योतिष शास्त्र के मूल तत्व हैं उसे समझने का प्रयास करें, पंचांग को समझने का प्रयास करें। ये चीज़ें आपको जीवन में कुछ अपलिफ्टमेंट दे सकता है, जो कि बहुत ही सरल है। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये सभी के लिए सरल नहीं है, ये बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जो फंडामेंटल तत्व हैं, जो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है ज्योतिष शास्त्र का मूल तत्व, तो उस प्लेलिस्ट को आप देखें, उसमें क्या क्या तत्व बतलाए गए हैं, उसको कैसे आप दैनिक जीवन में यूज़ कर सकते हैं, वो करने की आवश्यकता है। तब ज्योतिष शास्त्र का रियल मीनिंग निकलेगा और उससे आप फल प्राप्त कर पाएंगे, और खुद से ही आप उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और फिर से आपसे अनुरोध है कृपया हमारे प्लेलिस्ट को भी अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।